नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से निकल के वैकेंसी सामने आई है, जिसके आवेदन चालू होंगे 1/4/2020 से और 30/4/2020 तक आप इस वैकेंसी को ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। और इसकी जो ऑनलाइन अप्लीकेशन फ़ीस जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो है 4 मई 2020 तक आप इसके एप्लीकेशन फ़ीस जमा करा सकते हैं। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये टोटल 15 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। देखते हैं पहले पटवारी की पोस्ट। पटवारी की जो पोस्ट है वो है ग्रुप सी की पोस्ट। इसके अंदर जो आपका पे स्केल रहेगा वो रहेगा लेवल 3। और इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट है वो है 21 साल से 27 साल तक की। और इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपने ग्रेजुएशन पास करी होनी चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी और उर्दू लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पटवारी की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और इसके अंदर जो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 44। और जो दूसरी पोस्ट है वो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके अंदर जो आपका पे स्केल रहेगा वो रहेगा लेवल 2। और इसकी इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट चाहिए वो चाहिए 18 साल से 27 साल तक का कैंडिडेट पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आपने 12th पास कर रखी होनी चाहिए और साथ में आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, वो 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए, और हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए, तब आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 292। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी निकली गई है। और मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन PDF दे दिया है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ एज रिडक्शन के बारे में। एज रिडक्शन देखिए तो SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और PWD को 10 साल का। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितना एज रिडक्शन दिया गया है। आगे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। इसके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो रहेगी 500 रुपये, और इसको आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करा सकते हैं। आगे देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। इसका जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा वो दिल्ली NCR के अंदर ही पड़ेगा। और देखते हैं आगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। पटवारी की पोस्ट के अंदर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 2 स्टेज पे रहेगा। पहला जो स्टेज होगा उसके अंदर आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 120 मार्क्स के होंगे। उसके अंदर आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे का। और जो दूसरा स्टेज होगा वो होगा, वो भी CBT आपका एग्ज़ाम होगा। उसके अंदर आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो जो 200 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और उसके अंदर भी आपको टोटल 2 घंटे मिलेंगे। और इसके पहले देखते हैं स्टेज 1 के अंदर क्या सिलेबस रहेगा। स्टेज 1 के अंदर जो आपका सिलेबस रहेगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर, इनके ऊपर आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेकंड स्टेज का देखते हैं क्या क्या आपका इसके अंदर सिलेबस रहेगा। इसके अंदर जो आपका सिलेबस रहेगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल लैंग्वेज हिंदी और उर्दू लैंग्वेज और साथ में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इसके ऊपर आपसे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसके अंदर आपका CBT एग्ज़ाम होगा और उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, वो होगी 0.33 मार्क्स की। आगे देखते हैं इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है आपके फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस के थ्रू, और उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करके और आपके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ इस वैकेंसी को अप्लाई कर देना है। और अभी तो यही था इस वैकेंसी में बताने के लिए। ऐसे ही वैकेंसी की डिटेल टाइम टू टाइम जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।